राशिद लतीफ ने अभी 2 दिन पहले सौरव गांगुली के वनडे सुपर सीरीज के आइडिया को फ्लॉप कहा था, और कहा था बिग थ्री की तरह ये भी फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन पहले तो उनके आइडिया को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने समर्थन दे दिया और कहा कि सौरव गांगुली का आइडिया बढ़िया है और ये सीरीज 2021 से हर साल खेली जाएगी। और इसके बाद अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ का भी बयान सामने आ गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ का कहना है कि बीसीसीआई ने सौरव गांगुली को अध्यक्ष बनाया और वो एज ए क्रिकेटर उनकी थिंकिंग लाजवाब है और उनको पता है क्रिकेट के लिए क्या सीरीज फायदेमंद होगी सभी बोर्ड के लिए और जिसको दर्शक भी इंजॉय करेंगे। और ये उनकी इनोवेटिव थिंकिंग का ही कमाल है। ये 2021 में इंडिया में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ एक और टॉप टीम होगी जो वनडे सुपर सीरीज का आगाज करेंगे और उसके बाद ये हर साल खेली जाएगी। और यानी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस बात पर मोहर लगा दी है, सौरव गांगुली तो कह ही चुके हैं वनडे सुपर सीरीज होगी। जब सौरव गांगुली ने कह दिया तो मतलब है कि होगी ही। अब राशिद लतीफ चाहें तो वो कितना भी गम मना सकते हैं क्योंकि वनडे सुपर सीरीज 2021 में इंडिया में होगी और उसमें पाकिस्तान नहीं होगी, ये बात तय है। अगर पाकिस्तान नंबर एक पर भी रैंक में काबिज होगी और जो टॉप 4 रैंक में से इन तीन टीम के अलावा जो सबसे ऊपर रैंक पे काबिज होगी वो चौथी टीम बनेगी। लेकिन एक बात तो साफ है, इन तीनों देशों के बीच में जो डील हुई होगी उसमें एक बात साफ है कि पाकिस्तान वो टीम नहीं होगी चाहे पाकिस्तान नंबर 1 रैंक पे पहुंच जाए। तो राशिद लतीफ का जो ये गम है ये जायज़ है भैया। आपको पाकिस्तान को वनडे सुपर सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। जिस टूर्नामेंट को आईसीसी इवेंट का के रूप में तवज्जो दी जाएगी, आईसीसी इवेंट उसे माना जाएगा, उसमें पाकिस्तान की टीम नहीं खेल पाएगी कभी भी चाहे वो रैंक पे नंबर 1 पर भी हो। दरअसल में आईसीसी इवेंट वो होता है जो 3 टीमों से ज्यादा के बीच में खेला जाता है। आपस में किसी भी बोर्ड को 3 देश से ज्यादा का टूर्नामेंट करने की अनुमति नहीं है और इसीलिए अगर कोई भी इवेंट में 4 टीमें होंगी तो वो आईसीसी टूर्नामेंट अपने आप बन जाएगा। और जब बिग 3 कहेंगे कि हम इस तरह की सीरीज करवा रहे हैं तो आईसीसी तो ना कर ही नहीं सकता बिग 3 के सामने। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राशिद लतीफ भी इस बात से भली भांति वाकिफ है कि एक आईसीसी इवेंट होगा और पाकिस्तान उसमें कभी खेल नहीं पाएगा, ये तो बड़े शर्म की बात है। इसीलिए वो इस तरह की घटिया बयानबाजी में ध्यान लगा रहे हैं। अभी पाकिस्तान के में बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भी जाने से मना कर दिया कि भैया हम नहीं खेल सकते, बड़ी खतरनाक जगह है, तो बेचारों को बयानबाजी तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।